my YouTube family. Welcome to your own YouTube channel PR Pathways. It was Trails to Canada before, but अगर आप सर्च करते हैं, if you are searching on YouTube Trails to Canada, तो ये चैनल अभी आएगा, क्योंकि थोड़ा algorithm का उनका functioning होती है, थोड़ा time लेता है. तो recently I changed the name to PR Pathways from Trails to Canada. कैसे हैं आप सब? I'm very very happy, excited, because you guys are my motivation. I am 1500 subscribers now just because of you guys. Thank you very much for your love and support. मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका इतना प्यार और मोहब्बत बख्शने के लिए. तो आज की वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा और बताऊँगा कि जो भी रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं, जो भी रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा और करेंगे कवर इसको. और थोड़ा सा एक और चीज़ बतानी है आपको, क्या है वो आगे जाके कवर करता हूँ. सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि आज थोड़ी सी और डिटेल कवर करेंगे. मे बी यहाँ से थोड़ा अच्छा व्यू नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं आई एम वॉकिंग जस्ट ऑपोजिट टू द सनसाइड, बिकॉज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ अपने पुराने घर की तरफ. वहाँ पर क्रिकेट खेलना है मेरे को, अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलेंगे. पर उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या लास्ट फ्यू कपल ऑफ मंथ्स में बहुत सारे चेंजेस आए. जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बारे में पहले इन्होंने बोला कि ओनली द पब्लिक इंस्टीट्यूट्स जो भी होंगे DLI बेस्ड वही वैलिड होंगे, राइट. उसके बाद फिर और काफ़ी सारी चीज़ें आई, जिसमें LMI ये था, LMI के काफ़ी चेंजेस आए. अब जो रीसेंट जो बात चल रही है, सो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो रीसेंट बात चल रही है वो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट शुड बी अलाइंड विद द लेबर मार्केट. लेबर मार्केट का इसका मतलब ये है कि जो भी राइट नाउ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा वो उनको मिलेगा जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट को अलाइन करते हैं. इसका मतलब अगर डिटेल में समझा जाए तो अगर आप कैनेडियन पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ख़त्म होने वाली है आपकी पढ़ाई, तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको वर्क परमिट राइट अवे मिल जाएगा. और अगर मिलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है वर्क परमिट ना मिले. तो इस चीज़ को समझिए. और क्रिटिकल है सिचुएशन. मैं तो कभी, मैंने अपने चैनल पर कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाई, पर अब चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मेरे को बोलना पड़ेगा कि अगर आप सोच रहे हैं कनाडा आने के लिए तो अभी कोर्स को सिलेक्ट करिए ढंग से, ध्यान से कोर्स को चूज़ करिए. और ऐसे किसी भी कोर्स में मत आ जाइए. जैसे मैंने पहले बताया था, मास्टर्स के लिए आइए, PhD के लिए आइए. अगर एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं किसी और अच्छे बेहतरीन कोर्स में आइए. ऐसे ही मुंह उठाकर जैसे लोग आते हैं वैसे मत आना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उनको, स्पेशली जो अभी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन आने वाली हैं वो जनवरी 2025 में आ जाएंगी. तो आप सोच सकते हैं कि टाइम फ्रेम बिल्कुल नहीं है. जिनके पास कोर्सेज जिनके होने वाले हैं फिनिश, उनको जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा या तो मूव करना पड़ेगा, क्योंकि कई प्रोविंसेस अभी भी ऐसे हैं जहां पर आप PNP लगा सकते हैं, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो, चाहे वो न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर हो, चाहे वो नोवा स्कोशिया हो, चाहे वो येलो नाइफ हो. वाइट हॉर्स की तो PNP पॉज हो चुकी है, PNP में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. तो मेन तो यही था कि आपको मैंने बताना है कि हाँ, चेंजेस आ रहे हैं. चेंजेस आपको जो इम्प्लीमेंटेशन दिखेगी वो जनवरी 2025 में दिखेंगी, और हो सकता है कोई बड़ा धमाका फूटने वाला हो, कोई बड़ी चीज़ आने वाली हो. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग. सो ये मेरे को आज बताना था. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बतानी है, अभी कवर करता हूँ. ये तो बात थी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो भी आने वाला है उसके रिगार्डिंग. चेंजेस तो हैं, बेसिकली बिग चेंजेस आने वाले हैं. तो ये तो था फर्स्ट थिंग जो आज मेरे को कवर करनी थी. दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है गाइस, मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना इसके बारे में अगर आप चाहते हो डिटेल में. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप इस पाथवे के थ्रू PR को अप्लाई करें. पर ये जो वीडियो मैं बनाऊँगा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना. जब तक तो कमेंट नहीं आएंगे मैं नहीं बनाऊँगा इसके बारे में. तो ये वीडियो बेसिकली होगी असाइलम सीकर की, आप कनाडा में कैसे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, क्या वे है. थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको कर देता हूँ कि होता क्या बेसिकली. तो असाइलम बेसिकली उनके लिए होता है कि अगर आपको अपनी होम कंट्री में कोई प्रॉब्लम है, आपको खतरा है, आपको टॉर्चर कर सकता है, आपको कोई मार सकता है, तो उनके लिए ये एक सरकार ने रूल निकाला हुआ है. बहुत सारी कंट्रीज निकालती हैं, नॉट इवन कनाडा, कि आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम रिफ्यूजी केस बोलते हैं, वो लगा सकते हैं. इसके लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. आप विद इन कैनेडा लगा सकते हैं, आप आउटसाइड कैनेडा लगा सकते हैं, आप और द पोर्ट ऑफ एंट्री भी लगा सकते हैं. तो तरीके काफ़ी सारे हैं, है ना. जो मैं डिटेलिंग है वो मैं बाद में कवर करना चाहता हूँ, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कितने ज़्यादा इसके लिए
डेस्परेट है इस वीडियो के लिए। ये दोबारा बोल रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली दैट वीडियो विल बी ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेस। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, आई एम नॉट इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि यू विल गो थ्रू दैट वे, बट अगर आपका जर्मनी कोई आपका जर्मन केस है तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अब मैं और थोड़ा सा आपको कवर कर देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप असाइलम फाइल करते हैं तो आपका असाइलम बेसिकली जाता है आईआरबी पे। आईआरबी होता है इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा, ठीक है, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर आपकी इवैल्यूएशन होती है, आपकी हियरिंग होती है कोर्ट में, डिटेल में बाद में कवर करूँगा। तो और बेनिफिट काफ़ी सारे हो सकते हैं। आपको वर्क परमिट मिल जाता है, आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है, आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। बिफोर वर्क परमिट जितनी मेरी नॉलेज है, आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, गवर्नमेंट आपको फूड बैंक में भी एक्सेस देता है, आपको पैसे भी देता है। तो ये जस्ट बेसिक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे कर सकते हैं, बहुत लोग पोर्ट ऑफ एंट्री पे भी करते हैं, रिकमेंडेशन कभी भी नहीं है। ये तो थी जस्ट इसकी ना ओवरव्यू है ना। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊं, आपको समझ में आने, अगर आप चाहते हैं, आपकी इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज चाहिए इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और हमको बताना, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको डिटेल में वीडियो कवर करूँगा। तो ये थी गाइज़ आज की वीडियो। अगर आपको मज़ा आता है कंटेंट देखने में, आपको पता है क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सारे और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ। दैट्स वाई आई चेंज द नेम फ्रॉम ट्रेल्स टू कनाडा पीआर पाथवेज। और सारी इन्फॉर्मेशन, खतरनाक बड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन कवर करता रहूँगा। तब तक बने रियल पीआर पाथवेज पे। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।